अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स का एक के साथ होंगे जी और आज हम अपने लेक्चर में देखने जा रहे हैं जी पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम का चैप्टर सेवन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और हम अपना चैप्टर कर रहे हैं जी पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं और आज आप मेरे साथ देखेंगे जो अपना मेजर और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स लाइफ स्टॉक्स एंड फिशरीज इन पाकिस्तान ये टॉपिक आज हम अपने इस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे अटेम्प्ट करोगे फिर शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और एम सी क्यू जिसमें से हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट आते हैं ये सारा आज इस लेक्चर में हम लोग डिटेल से देखेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए स्टार्ट करते हैं जी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज इन पाकिस्तान और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारे पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आता है क्वेश्चन और बाकी हम लोग लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज को जो है वो शॉर्ट टर्म से कुछ पॉइंट से जब हमने करना आगे देखेंगे वो हम लोग साथ साथ मार्केट जाएंगे तो मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान में क्या है जी? केन, राइस, कॉटन एंड मेज आर आवर मेन क्रॉप्स तो आपसे ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि वॉट आर द मेन इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर वीट शुगर केन राइस कॉटन एंड मेज पाकिस्तान इकोनॉमी एक्सपोर्ट एंड फॉरन एक्सचेंज डिपेंड mostly on these crops जैसे हम लोगों ने agriculture की importance पढ़ी थी तो ये सारा sector हमारे पास agriculture को ही deal कर रहा होता है तो ये चीजें हमारी economy पे बहुत ज़्यादा effect करती है foreign exchange में जरे मुबादला इनसे से इन्हीं की export से हमारा बनता है सबसे पहले आ जाता है wheat wheat is the most important food crop of Pakistan it is cultivated in all the provinces and regions of the country

इन पंजाब प्रोविंसराबाद नवाब खैरपुर पख्तून डेरा इसमाइल खान पिशाबाद खुजदर लोडालाई एंड किलाटेंट एरिया अब हमने क्या करना है जी यहाँ से इसकी सब हेडिंग बनानी है वीट में आपने इंट्रोडक्शन में जो वैल्यू लिखनी है डिटेल वो आपने सिर्फ मेन्शन करनी है यहाँ तक लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वीट जो होती है वो पे, तब पे आती है हमारे पास इस यहाँ से आपने हेडिंग देनी, स्टार्ट करनी सब हेडिंग इनकी बनाएंगे हम लोग और वो आपने देनी है वीट प्रोडक्शन इन द पंजाब प्रोविंस सबसे पहले आप हेडिंग दोगे यहाँ पे वीट प्रोडक्शन एरियाज इन पंजाब प्रोविंस उसके बाद आपने हेडिंग देनी है यहाँ से सखर से आप हेडिंग दोगे वीट प्रोडक्शन एरियाज इन सिंध प्रोविंस स उसके बाद आपने थर्ड हेडिंग देनी है वीड प्रोडक्शन एरियाज इन के पी के वीड प्रोडक्शन एरियाज इन के पी के यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी और देन यहाँ से आप हेडिंग दोगे बलोचिस्तान प्रोविंस की वीड प्रोडक्शन एरियाज इन द बलोचिस्तान

सेकेंड क्रॉप जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है राइस राइस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप इन पाकिस्तान ये एमसी क्यू आता है कि द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सी है पाकिस्तान में राइस इन एडिशन टू फूड नीड्स इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड एक्सचेंज In 2019 to 20, the area under cultivation was around 3 million hectares that gave an output of more than 7.4 million tons. The production per hectare was less than 2,450 kg which is less than most of the developed countries in the world. In Pakistan, larger proportion of rice is grown in Gujranwala, Hafizabad, Sheikhupura, Sialkot, Narowal, Kasur, Lahore and Okara districts of Punjab province. In Sindh province, rice is grown in Sakar, Larkana, Guddu and Kotri barrage areas. In in addition to data, Ismail Khan, Peshawar and rice is also grown in Nasirabad area of the Balochistan. यहाँ से हमारे पास फिर सब headings की आएगी और वो आपने कैसे करनी है जिस तरह से हम लोगों ने बीट की हेडिंग यहाँ पे आपने मेन मेजर पार्ट राइस की हेडिंग में दे दिया सब हेडिंग देंगे आप लोग यहां से सबसे पहले कि राइस प्रोडक्शन एरियाज इन पंजाब प्रोविंस यहाँ पे आपकी सबसे पहले हेडिंग बनेगी राइस प्रोडक्शन एरियाज इन पंजाब प्रोविंस यहाँ से आप देन सेकंड सब हेडिंग बताओगे राइस प्रोडक्शन एरियाज इन सिंध प्रोविंस ये आपकी होगी सेकंड उसके बाद यहाँ से इन आपके इन एडिशन टू डेरा इस्माइल खान यहाँ से आपने हेडिंग देनी है राइस प्रोडक्शन एरियाज इन खैबर पख्तूनख्वा ये आपकी कौन सी हेडिंग हो जाएगी थर्ड हेडिंग हो जाएगी और यहाँ से आपने सिर्फ एक छोटी सी हेडिंग और बनानी है राइस प्रोडक्शन एरिया इन बलूचिस्तान प्रोविंस ये आपकी टोटल फोर सब हेडिंग हो जाएंगी इस तरह से जिस तरह वीट में आई थी राइस की Heading में और राइस भी हमारे पास क्या है जी इंपोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान ये हमारे पास क्या है है जी जी हमारे पास आ जाता अब cotton में क्या कहता है किस तरह से एक्सप्लेन करता है इन 20 द एरिया द प्रोडक्शन वाज एस्टिमेटेड एट 92 लाख बेल्स In Pakistan cotton is grown in the irrigated areas of Punjab and Sindh.

In KPK, cotton is grown in Bannu and Dera Ismail Khan, while in Rajasthan, cotton is grown in the cultivated areas of Jafarabad, Nasirabad, and Kalad Devils. Our production per hectare is about 700 kg, while China and India have 1700 kg and 1200 kg respectively. Increase in our average output is the need of the R.

टन प्रोडक्शन एरियाज इन पंजाब प्रोविंस यहाँ से फिर आपने हैदराबाद वाली साइड से आपने हेडिंग देनी है कॉटन प्रोडक्शन एरियाज इन दिंध प्रोविंस यहाँ पे आ जाएगा फिर थर्ड से हेडिंग बनाओगे कॉटन प्रोडक्शन एरियाज इन के टीके यानी कि खैबर पख्तून में और फिर यहाँ पे हेडिंग बनाओगे कॉटन प्रोडक्शन एरिया बलोचिस्तान में आपनेशन भी कर देती हूँ नीड ऑफ एन आर नीड ऑफ एन आर ये आपने इसके ऊपर हेडिंग देनी है और यहाँ पे आपका कॉटन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा देन आपके पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है जी शुगर केन का शुगर केन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान यही मैंने आपको बताया था कि क्रॉप्स की दो टाइप्स होती है एक फूड क्रॉप होती है और एक कैश क्रॉप होती है हमने पहले देखा वीट और राइस हमारे पास फूड क्रॉप थी जबकि कॉटन कैश क्रॉप है उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ इस तरह से शुगर केन भी हमारे पास कैश क्रॉप होती है इट इज यूज टू मेक वाइट शुगर एंड जगरी जिसे हम गुड़ कहते हैं शक्कर कहते हैं इन पाकिस्तान टोटल आउटपुट ऑफ शुगर केवेंटी वन मिलियन टन एंड एवरेज पर हेक्टर गिल्ड इज अबाउट सिक्सटी वन थाउजेंड के जी इसकी हमारे पास आती है पर हेक्टर इसकी एवरेज गिल्ड आती है इट इज मच लेस दैन द मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग ऑफ द वर्ल्ड और ये बहुत कम है जितनी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर शुगर केन की प्रोडक्शन हमारे परक्षन से कहीं ज्यादा है इट इज मच लेस दैन द मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग खान पेशावर मैदान एंड चार्सर पखतून एट प्रेजेंट दोडक्शन डिमांड हमें sugar क्यों इम्पोर्ट करनी पड़ती है क्योंकि हमारी प्रोडक्शन ही इतनी कम है कि हमें मजबूर होके अपनी चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है हालांकि हमारे पास इसको इसकी प्रोडक्शन के लिए इसकी फसल उगाने की सहूलतें मौजूद हैं फिर भी हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते लास्ट और फिफ्थ है हमारी मेज मेज इन एन मेज इज एन इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप अब हमारे पास एक थर्ड टाइप उसने क्रॉप किया आपको बता दी खरीफ क्रॉप है और वो कौन सी है मेज इट इज यूज्ड फॉर फूड परपसेस एंड एज अ फूडर फॉर एनिमल्स इट इज मोस्टली कल्टीवेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ कोहिस्तान द प्लेन्स ऑफ पेशावर एंड मदान इन पंजाब इट इज कल्टीवेटेड इन पाक साहिबाल बिहारी फैसला मुजफ्फरगढ़ जंग बहावलपुर पाकिस्तान इज अबाउट सिक्स मिलियन टन इट इज ऑल्सो यूज टू मेक कॉर्न ऑयल कस्टर्ड पाउडर इन पॉपकॉर्न एंड जेलिस आपने माफ करने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इन विच प्रोडक्ट्स कौन सी प्रोडक्ट जो है वो आपकी मेज के साथ बनाई जाती है कौन ऑयल कस्टर्ड पाउडर पॉपकॉर्न और जालीज जो है वो हमारे पास मेज से बनाया जाता है और इसकी फसल की जो पिक्चर है उन्होंने आपको आपकी बुक की साइड पे दिखा भी दी है तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया नीचे आपके पास एक दो टॉपिक्स आएंगे लाइफ स्टॉक पोल्ट्री वगैरह के ये हमारे पास शॉर्ट और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये हमारे पास ज्यादा लॉन्ग में नहीं आते अगर आएगा तो आपको क्रॉप्स के साथ एडिशनल वो आपसे दो चीजें में पूछ सकता है दो या तीन फिशरीज पूछ सकता है पोल्ट्री या लाइफ स्टॉक या सब कुछ पूछ सकता है अकेला एक टॉपिक लाइफ स्टॉक फिशरीज का या पोल्ट्री के ऊपर आपको कभी भी लॉन्ग में नहीं देगा कॉम्बिनेशन देगा क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक का दे देगा या चारों पांचों आपको पॉइंट दे देगा लेकिन कभी भी एक चीज नहीं आपको देगा आपके पास इंपॉर्टेंट आती है लॉन्ग में लाइफ स्टॉक क्या होता है जी हमारे पास लाइफ स्टॉक इज अ सेक्टर ऑफ ऑफ आवर एग्रीकल्चर अब हमारे पास एग्रीकल्चर के सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं डेट प्लेज अ मेजर रोल इन द नेशनल इकोनॉमी This is the sector that supports farmers, non-farmers, landowners and landless people in the difficult times. This sector is specially popular in rural areas and is an important source of income for the rural people. यानी कि जो धातु में रहने वाले लोग होते हैं, उनके लिए livestock से ही आमदनी का जरिया बनता है। Government is taking a number of steps to increase livestock including import of breeder animals mobile service training of concerned persons reduction in custom duties on livestock dairy related imports and implementing the loans at low markup from banks of this sector

The government has formulated a four-year program for the development of this sector under which the rupees about 33 crore will be spent on it. Government is providing loans on easy terms for the development of the poultry sector, and at this facility, loans can be obtained for daily expenses of the poultry farms, broilers, layers, and hatcheries for purchase of the various poultry machinery and equipment and for the expansion and construction of the existing farms. देन हमारे पास आ जाते हैं जी फिशरीज फिशरीज यानी कि जिनके फिश फार्म होते हैं फिशीज के साथ उनका कारोबार होता है उन uh, से कंसर्न लोगों को हम लोग जो है वो कहते हैं कि ये फिशरीज के जो है ना बिजनेस से कंसर्न है तो फिशरीज में क्या कहते हैं जी द मेजोरिटी ऑफ पीपल लिविंग ऑन द शोर्स ऑफ द सी ये काम कौन से सौ लोग ज्यादा करते हैं जो समुद्र के आसपास रहने वाले होते हैं और द बैंक्स ऑफ द रिवर्स आर एंगेज इन द फिशिंग फिशिंग इज एन आर्टिफिशियल वे ऑफ ब्रीडिंग fish. A fishing fishing is an artificial way of breeding fish. pakistan is earning a lot of the foreign exchange from fish export. in addition, farmers are now setting up fish farms to raise and sell fish on a commercial basis. in this way, they are making more profit than conventional agriculture. they are playing an important role in increasing the meat production in the country. fisheries play a vital role in increasing pakistan's national income and meeting the food storage shortages. this reduces the pressure on mutton beef and poultry in the year 2019 to 20 the annual fish production in pakistan was estimated at more than 7 lakh metric tons fish is very important in the human food as it is an important source of protein yeah marketing mcqs yeah fish हमारे पास किस चीज का सोर्स है जी source of protein है तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को डिस्कस किया लाइव स्टॉक देखा पोल्ट्री और फिशरीज फिशरीज हमने देखा कि वो आर्टिफिशियल है ऑफ द ब्रीडिंग पोल्ट्री हमारे पास लाइफ स्टॉक का सेक्टर है और लाइफ स्टॉक हमारे पास एक एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट सेक्टर है और हमारे पास ऊपर आई थी जी पांच मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों आज का लेक्चर पसंद आया होगा डिफिकल्टी कोई 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 क्वेश्चन या ऐसी चीज हो कहीं मुझसे बताने में कहीं रह गई हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं जी और लास्ट पर जाते हुए जी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो संद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू